सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। सारांश की इस कड़ी में आइए आपको मिलवाते हैं 66 वर्ष के ऐसे युवा से जिसकी दिनचर्या आपको हैरत में डाल देगी। यदि आपका खान पान दिनचर्या आदि समय अनुकूल है तो आयु कितनी भी अधिक क्यों ना हो, आप किसी युवा से कम नहीं है। वृद्धा अवस्था भी आपके जोश खरोश में बाधक नहीं बन सकती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन से संपूर्ण विश्व के लोगों को लोहा मनवाने वाले इस शख्स से युवाओं को एक सीख अवश्य लेनी चाहिए। 66 वर्ष की आयु हो जाने पर भी उनके चेहरे पर तेज और जोश अभी भी कायम है। आखिर क्या राज छुपा है इसके पीछे, आइए जानते हैं। शाकाहारी भोजन, नियम पूर्वक योग, मदिरा व तंबाकू जैसे मादक पदार्थों से परहेज आदि कारणों से ही उनमें युवाओं जैसी फुर्ती है। यही वजह है कि वे दिन रात अपने कार्यों में जुटे रहते हैं, बावजूद इसके चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं होता। सुबह सवेरे जागने से रात्रि सोने तक का उनका समय निश्चित है। ये रात्रि में भले कितने ही विलंब से सोते हों, लेकिन नित्य सवेरे 5 बजे अवश्य उठ जाते हैं। तदुपरांत नियम पूर्वक 1 घंटे तक सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगासन करते हैं। इन्हीं वजहों से वे पूरा दिन अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। नरेंद्र मोदी समाचार पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। वे यात्रा पर जाते समय भी अपने साथ समाचार पत्र ले जाना नहीं भूलते। उनकी रुचि यह जानने की होती है निंदा करने वाले लोग उनके बारे में आज क्या राय रखते हैं। शाकाहारी भोजन में उन्हें गुजराती व्यंजन व दाल खिचड़ी बेहद पसंद है। वे अक्सर हल्का भोजन जैसे पोहा, डोसा, इडली, दाल चावल, सब्जी व दही खाते हैं। मोदी जी पाठ पूजा में भी विश्वास रखते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। उन दिनों में दिन भर में मात्र कोई एक फल खाते हैं। मोदी जी सवेरे जल्दी ही अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं। अत्यधिक पानी पीना तो उनकी आदत में शुमार है ही। वे गुनगुना पानी ज्यादा पीना पसंद करते हैं ताकि गला स्वस्थ रहे। संभवतः यही कारण है कि मोदी जी के भाषण ओजपूर्ण व जोशीले होते हैं। रात्रि सोने से पहले वे कुछ समय तक ध्यान करते हैं ताकि दिन भर के तनावों को दूर किया जा सके। यही कारण है कि वे अल्प समय में भी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। कहते हैं जीवन में एक ही चीज मिल सकती है, शोहरत या सेहत, लेकिन मोदी जी इसके पर्याय हैं। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन को स्वस्थ खुशहाल बनाते हुए अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना चाहिए।